हेलो गाइस, आज की वीडियो पे हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम का टॉप 10 मीट बस्टर को कंफर्म है ब्लास्ट को। चलिए देखते हैं फर्स्ट मीट पे भाई ने क्या लिखा है। अगर आप ड्रोन ऑन करके समुंदर के अंदर जाओगे तो ऊपर देखना पानी ब्लैक कलर में होगा और जमीन में कन्वर्ट होगी। ओके भाई, चलिए चेकआउट करके देखते हैं फाइनली भाई का मीट कन्फर्म होता है या फिर बस्ट होता है। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे मोबाइल और यहाँ पे ऑन करेंगे RGS टूल में जाके लिखना है ड्रोन ऑन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ड्रोन ऑन करते हैं। ड्रोन ऑन हो चुका है, अभी हम लोग चलते हैं समुंदर पे। ओके भाई, यहाँ पे ड्रोन ऑन करने के बाद इसका नज़ारा पूरा खतरनाक लगता है, देख सकते हो भाई साहब, पूरा GTA 5 फीलिंग आता है भाई। कोई बात नहीं, हम लोग बस समुंदर में पहुँचने वाले। वीडियो थोड़ा सा मैं स्पीड कर देता हूँ ताकि भाई जल्द में पहुँच जाओ समुंदर में। और फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, अभी चलते इसके पानी के अंदर। मतलब भाई बोला पानी के अंदर चलना, फिर पानी ब्लैक हो जाएगा ऊपर देखने पर। ओके, ऊपर देखते, अरे ये पानी ब्लैक कहाँ हुआ यार? भाई बोला था ऊपर देखोगे तो पानी ब्लैक होगा, लेकिन पानी ब्लैक दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी एक पोजीशन में चलते, वहाँ पे जाके फिर एक बार ट्राई करते। तो यहाँ पे चलते, यहाँ पे जाने के बाद ज़मीन के अंदर, ओ भाई, मतलब ज़मीन के अंदर जाने के मतलब मैप से बाहर जाना होगा हमें ब्लैक देखने के लिए। लेकिन भाई बोला था पानी के अंदर जाओगे तो ब्लैक दिखेगा ऊपर देखने पर। लेकिन सिर्फ पानी नहीं यार, पानी के अंदर जो मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर आपको जाना होगा, तब जाके आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। तो भाई का मीत यहाँ पे मेरी तरफ से 50% कन्फर्म है। तो आप लोग बता देना भाई का मीत कन्फर्म है या फिर बस्ट है। जो भी हो भाई का अच्छा कोशिश था, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो चले भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीत को। नेक्स्ट मीत पे भाई ने लिखा है, अपडेट के बाद अगर आप मोबाइल निकाल कर कैमरा एंगल चेंज के मोबाइल यूज करोगे तो वर्क नहीं करेगा। ओके भाई, चलिए चेकआउट करके देखते हैं फाइनली भाई का मीट कंफर्म होता है या फिर बस्ट होता है। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग यहाँ पे मोबाइल निकाल लिए, अभी हम लोग क्या करेंगे कैमरा एंगल चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है भाई। ओके, कोई भी ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे की, अरे भाई व्हाइट हो गया बिल्कुल भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हो। सिर्फ यहाँ पे चार्जर और नेटवर्क का आइकन आ रहा है, पूरा स्क्रीन व्हाइट हो चुका है और यहाँ पे कुछ यूज नहीं कर पा रहा। फिर से हम बैक करते और कीबोर्ड में जाके हम लोग यहाँ पे कैमरा एंगल चेंज करते, यहाँ पे भाई काम कर रहा है भाई। अगर कीबोर्ड के अंदर जाके आप कैमरा एंगल चेंज करोगे तो फुल टू काम कर रहा है, लेकिन अगर आप दूसरी ऑप्शन पे जाके कैमरा एंगल चेंज करोगे तो काम नहीं कर रहा है। तो भाई जो यहाँ पे बोला था अपडेट के बाद अगर आप मोबाइल निकाल के कैमरा एंगल चेंज करते हो तो मोबाइल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे काम कर रहा है, अदर्स कोई भी ऑप्शन पे काम नहीं कर रहा है। तो भाई का मीट मेरी तरफ से यहाँ पे कंफर्म होता है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चलिए भाई लोग, अभी हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, न्यू अपडेट के बाद घर के बाहर वाली फॉर्च्यूनर अलग डायरेक्शन में खड़ी रहती है। ओके भाई, चलिए चेकआउट करते हैं फाइनली भाई का मीट क्या कंफर्म होता है या फिर होता है। तो भाई के मीत को ट्राई करने के लिए हम लोग चलते हैं भाई सीधा घर में, और घर पे जाके देखते हैं हमारा जो ओल्ड फॉर्च्यूनर है वो फॉर्च्यूनर कहाँ पे रहता है। ठीक है, ओके भाई, ये तो मुझे अलग ही डायरेक्शन दिख रहा है भाई, यही बोला था। पहले क्या होता था ना, अगर आप घर से निकालते हो तो भाई ये अलग डायरेक्शन में खड़ा होता है, लेकिन भाई अभी तो अलग है यार। हम लोग एक बार घर में चलते हैं और घर से आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं भाई। यहाँ पे फाइनली ये चेंज हो चुका है, मतलब रोहित गमा सा चेंज कर दिया। ठीक है, घर से जैसे ही हम लोग बाहर निकालते थे ना, तो फॉर्च्यूनर में बैठने के लिए हम लोग को भाई उस साइड जाना पड़ता था, लेकिन अभी भाई उस साइड नहीं जाना पड़ेगा, यही पे आप बैठ पाओगे। मतलब कार का डायरेक्शन चेंज कर दिया फाइनली। तो भाई का मीट यहाँ पे फुल्ली कंफर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चले भाई लोग, अभी हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, अगर आप ड्रोन ऑन करके गोवा वाली बीच में ब्लू कलर का एक सबसे छोटा बॉक्स है, आप उसके अंदर जा सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ओके भाई, चले देखते हैं फाइनली वो ट्रांसपेरेंट है या फिर नहीं। तो भाई के मीट को ट्राई करने के लिए हम लोग आ चुके हैं भाई फॉर्च्यूनर लेके गोवा वाली बीच में, देख सकते हो फाइनली क्या खतरनाक नाम दिया। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले कार से निकालते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ड्रोन ऑन करना है। तो RGS टूल में जाके हम लोग लिखते हैं भाई ड्रोन ऑन और भाई टिक करते, ओके करते, ड्रोन ऑन हो चुका है और ब्लू वाला बॉक्स यही पे है। ठीक है, तो इसके अंदर चलते भाई, ये सबसे छोटा बॉक्स है ना, हाँ भाई एक ही बॉक्स है शायद इसमें। ओके भाई, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है भाई, अंदर बाहर सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भाई बोला था नहीं दिखेगा। मतलब भाई का मीट यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है। यहाँ पे एक बार ना चेकआउट करके देखते हैं और कोई दूसरा बॉक्स रखा है या फिर नहीं। ओके फाइनली यहाँ पे मुझे और एक बॉक्स देखने को मिला, इसके अंदर चलते। ओ भाई साहब, इसके अंदर देखो भाई, इसके अंदर से आप बाहर देख ही नहीं सकते। और फाइनली भाई शायद यही बॉक्स के बारे में बोला था। मतलब भाई का मीट फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। चले भाई लोग, अभी हम लोग चेकआउट करते हैं नेक्स्ट मीट को। नेक्स्ट मीट पे भाई ने लिखा है, स्विमिंग पूल में जेट पैक को स्वम करो और देखो मैजिक। ओके भाई, चले देखते कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। भाई यहाँ पे सिर्फ स्विमिंग पूल में जेट पैक को स्पम करने वाला और कुछ भी नहीं बोला। तो चलिए भाई देखते हैं कौन सा मैजिक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ स्विमिंग पूल के पास, और यहाँ पे हमें क्या करना है, मोबाइल निकाल के जेट पैक मंगाना है। ठीक है, जेट पैक का चीट कोड आपको वो पता ही होगा, 330। ओके, आ चुका है, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला है, हम लोग बड़ा वाला करते हैं। 320 आ चुका है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे कौन सा मैजिक हमें देखने को मिलेगा, ड्राइव करके देखे क्या?
ओके ड्राइव करते देखते भाई कोई मैजिक होता है। ओके भाई इसका पैर देखो भाई ये डांस कर रहा है, इसका तो मोयो मोयो हो गया भाई, यहाँ पे खतरनाक ऐसा लग रहा है भाई ये लटक के चल रहा है। कोई बात नहीं, मतलब भाई का मित यहाँ पे थोड़ा सा हमें मैजिक देखने को मिला तो भाई का मित फुल्ली कन्फर्म है, तो भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस हम लोग इतना मीट बस्टा को कन्फर्म है ब्लास्ट कर पाए। आई होप आज की मीट बस्टा वाला वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। भाई लोग इस तरह मीट बस्टा वाला वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हो आपके मीट बस्टा भी हम ट्राई करें तो आप भी मीट लिख के कमेंट जरूर कर देना, तो आपका मीट भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह और एक धमाकेदार वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।